मैं इनको बिल्कुल सच बताऊंगा, ठीक है? ठीक है यार, कुछ बातें होती है बंदा हिडन रखना चाहता है, लेकिन आप लोग अगर जानना चाहते हो तो मैं बताता हूँ। आपको पता है मैं एक राइडर था, काफी सालों से ये राइडिंग वाला काम हो रहा था, ठीक है? बाय। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यार करने वाले भाइयों और बहनों। लो जी, राइड भी आ गई, बड़े मजेदार, लेकिन स्मॉल राइड है, हमने लॉन्ग राइड उठानी है। तो यार कल मोस्टली भाइयों ने बड़ा प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। आप लोग बहुत याद कर रहे थे यार, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिखाया है। अच्छा जी, सवाल ज्यादा ये था कि मोहसिन भाई आप पनिशमेंट ना करो, आप इधर मुर्गा ना बनो, इसलिए तो यार इस लोकेशन पे आया हूँ, ठीक है? आप मुर्गा ना बनो, आप ये बता दो आप किधर गायब थे। और ये भाई देखो, ये प्यारे भाई हैं, ठीक है? अच्छा, ये प्यारे अब्दुल मनान भाई हैं, इन्होंने क्या है, देखो कितना लव करते हैं यार, और मैं क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकता। मुझे क्या क्या मैसेजेस आए हैं, ठीक है, कि मोहसिन भाई प्लीज़ यार कंटिन्यू रखना है, तो यार इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं कि हम आपकी फैमिली हैं, आप मनान भाई कह रहे हैं, बिल्कुल मनान भाई आप मेरे प्यार करने वाले भाई हो, मैं कहता हूँ आप खालस प्यार करने वाले भाई हो यार। अच्छा मोहसिन भाई, आप किधर थे, रीज़न क्या थी, तो रीज़न भी मैं आज के ब्लॉग में बताऊँगा। रमज़ान है, ठीक है, रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आपको सच बताना है कि यार क्या नाम है, मैं किधर था। मैंने बड़ा सोचा, फिर अब्बा जान से भी इस टॉपिक पर डिस्कशन की, मैंने कहा यार बताना तो बिल्कुल सच है, ठीक है, किधर गायब थे, क्या सीन था, ठीक है, मैं आप सबको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यार आज राइडें बड़ी ठंडी हैं, ठीक है, तो इधर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं ताकि थोड़ा सा लोड में एंटर होते हैं ताकि हमें राइड मिल जाए, ठीक है ना। ये एक मैसेज देख लो, और हीरो इज़ बैक। अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैं कहता हूँ खाली एक भाई भी मेरा वेलकम कर लेते, लेकिन बड़े प्यार करने वाले भाइयों ने कहा, जाहिर सी बात है दो राइड आ गई, नहीं दो तीन महीने, ठीक है, दो तीन महीने भाई साहब नहीं व्लॉग आया, ठीक है। मैंने शॉर्ट्स में टच करने की कोशिश की, लेकिन इंशाल्लाह ताला रीज़न मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन ऑल पे करना है, और इंशाल्लाह ताला डेली व्लॉग आएगा, चाहे सारे काम छोड़ने पड़े, इंशाल्लाह ताला मेरे प्यार करने वाले भाइयों आप लोगों के साथ मोहसिन भाई जुड़े रहेंगे अब इंशाल्लाह ताला। लाइक कर देना। और ये देखो, ये असद भाई कह रहे हैं किंग इज बैक, और यार मुझे क्या, मैं कहता हूँ, मैं यार कसम से मैं अपनी बहनों के अपने भाइयों के मैसेज इंस्टाग्राम पे दिखा सकता ना, क्या प्यार के आते रहो। कल तकरीबन 4 महीनों के बाद इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है, कितने व्यूज आए हैं, 700+ अल्हम्दुलिल्लाह, और सब ने मतलब बड़े मैसेजेस आए हैं, बड़ा प्यार दिया है, ठीक है। अभी सिर्फ तकरीबन 8 घंटों में इतने आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगा, मैंने कहा स्टोरी लगाऊंगा कोई भी नहीं देखेगा, लेकिन यार आप लोग बड़ा प्यार दिखाते हो यार, मैं कहता हूँ आप लोग इतना प्यार दिखाते हो ना यार। तो अब बस अपनी डाइट्स पर जल्दी से निकलते हैं क्योंकि देर हो रही है फिर आज। हाँ आज अब्बा जी, पिछली ईद पर आपको याद है, वो बाद में करूँगा, अब्बा जी के ज़रा शूज़ भी लेने जाने हैं, ठीक है, पहले ज़रा अपनी राइड्स पे जाते हैं, ठीक है, तो फिर मतलब आपसे सारी बातें होंगी, ठीक है ना। तो यार ये फर्स्ट राइड आप ही की मिली थी, ठीक है, मैं खुल डुल के व्लॉग नहीं बना सकता यार। पहली राइड पे ना एक आप ही को ड्रॉप किया है, 30 रुपीज़ उन्हें वापस करने हैं, पूरी मार्केट में से चेंज नहीं मिल रहा, 100 का चेंज याद दे दें कोई दिन। बस वीडियो बंद कर दो। नहीं, मेरी व्लॉगिंग हो रही है, वीडियो यार काम है यार, जैसे ये आपका काम है मेरी भी, हर बंदा कहता है यार ये आपको भी चाहिए ना, आप जेब में लेके चाहिए फिरे किसी के ऊपर क्यों ब्लेम कर रहे। अच्छा जी, ये हम मुसलमानों की माशाल्लाह बहुत बड़ी नेकी है, आप देख लें, ठीक है, आप भी हम मुसलमान हो, अपने आप को कह रहे हैं ना, अपने आप को कह रहे हैं भाई, अपने आप हमारे पास अपने पास होने चाहिए, तुम राइड चला रहे हो, मान थोड़ी दे। हाँ ये देखे माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, नाइस, सही है। अच्छा यार चलो यार, सामने से चेंज ले आते हैं, कोई बात नहीं, ये भाई आज की दुनिया है कि चेंज नहीं वापस मिल रहा, ठीक है। अच्छा जी, ये चेंज मिल गया, अब ये जो है ना ये हमारी अर्निंग है, और ये वो आप ही को उनके 30 रुपीज़ हमने वापस करने हैं, ठीक है भाई साहब, चेंज मिल गया है, 30 रुपीज़ जाके आप ही को करते हैं उनके वापस। तो यार वो मैंने जब राइड भी की थी, मैंने तब इसलिए नहीं बताया था कि वो आप ही आ गई थी, बस उन्हें ड्रॉप करना था जल्दी से, ठीक है, और रह गई उनके बंदे, उन्होंने मुझे 200 दिए, वो उन्होंने मुझे कहा कि ना आपने ना 30 रुपीज़ मुझे वापस करने हैं, मैंने कहा चेंज नहीं है, ठीक है, तो क्या नाम है जनाब जी, फिर क्या नाम है, मैं जनाब चेंज लेने गया आपके सामने, ठीक है, और वो अंकल साहब मेरे पे गरम, चाचू वाज गरम ऑन मी। अच्छा मैंने कहा यार चाचू जी ठंडे रहो, रमजान है, रोजा है, की हो गया, अल्लाह का नाम लवो, ठंडे पवो, अजीब यार
दुनिया के घर मेरे हिसाब से लड़ने निकलती है दुनिया घर से भाई यार। बाकी खैर कोई बात नहीं, अब अपनी नेक्स्ट राइड उठाते हैं ठीक है यहाँ से, तो फिर देखते हैं हमें कहाँ की राइड मिलती है ठीक है। और रह गई वो रीज़न की बात, जिस रीज़न की वजह से ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, तो भाई साहब वो रीज़न भी आपको किसी अभी पार्क में बैठ के तफसील से डिटेल से बताते हैं, ऐसे भागम भाग में आप लोग को कुछ समझ नहीं लगनी। अच्छा यार मैं वो भाई की लोकेशन पे आ गया हूँ। भाई ने कहा था कि सलाउद्दीन यानी कि जहाँ पे सलाउद्दीन स्टेशन है ना उसके बाहर आके आपने वेट करना है ठीक है। खैर मैं वहाँ पे आ गया हूँ अब। चाचू सही ढोला पाया तुसी। अब जैसे ही भाई आते हैं तो उनको पिक करते हैं, तो फिर उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाते हैं ठीक है ना। जैसे उन्होंने कहा था ये है जनाब, उन्होंने जो एड्रेस दिया था मैं उस एड्रेस पे हूँ ठीक है ना। पीछे एक आप ही को ड्रॉप किया तो ना वो चेंज की वजह से खड्डा होने लगा था, चेंज लेने गया हूँ भाई साहब। तो आप इसी पर समय सेंड कर दें मेरे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच। राइड अच्छी लगी भाई, थोड़ा सा शाय है कैमरे के सामने, शर्माते हैं मुझे भाई से पता चल गया। ओके यार थैंक यू सो मच। यार वो भाई को ड्रॉप कर दिया है जनाब, अब अपनी थर्ड राइड को उठाते हैं ठीक है। देखते हैं फिर वो राइड कहाँ की मिलती है। फिलहाल टू लॉन्ग राइड्स हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अब जल्दी से भाई को क्या नाम है, तीसरे भाई होते हैं, मैडम होती हैं, आप ही होती हैं, जो भी होता है आपको पता, राइड्स कोई भी मंगवा लेते हैं, अंकल बूढ़े अंकल मतलब बुजुर्ग मतलब यार छोड़ो जो भी है। खैर मुंह फुल खुशक हो गया भाई, आपको पता है। सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। क्या हुआ भाई? कुछ भी नहीं हुआ भाई। कैमरा बंद कर। यार अभी अभी अपनी राइट से फ्री होके आ गया हूँ भाई साहब। आप सबके टल्ली भाई मुझे भाई नहीं मिले हैं ठीक है। ये मेरे प्यारे दादी, इनके पेपरों के लिए खास दुआ करना, इनका एंड टाइम चल रहा है। जब से पेपर शुरू हुए हैं ना तो ये रमजान में माशाल्लाह एक ही बात करता है, मेरे पेपर है, मेरे पेपर है। भाई पेपरों को छोड़ो, पेपर तुम्हारे कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह, नमाज पढ़ो पांच वक्त। अच्छा यार आप लोगों में से किस किस के पेपर है मुझे कमेंट में बता देना ठीक है। और जो रीजन है वो मैं बस असर की नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ के आगे मैं आप सबको भाई जो हमसे बड़ा प्यार करते हैं माशाल्लाह हमारे साथ जाते हैं, नमाज पढ़ने तराबियां पढ़ने, इनके लिए भी आपने दुआ करनी है। इससे तो नहीं पेपर तो उसके हो नहीं इसके हो रहे हैं ना। चलो फिलहाल नमाज का टाइम हो गया, उसके बाद मैं रीजन बताता हूँ आपको कि इतनी मंथ जो आप सबने मैसेज कर करके कमेंट कर करके मोहसिन भाई आप किधर थे किधर थे किधर थे, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ठीक है ना। चलो यार बाइक पे जाना, पैदल जाना, बाइक पे जाना। चलो 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 ठीक हो गया सर के बाद भाई साहब ठीक है। और कमेंट में आप सबने जरूर बताना है कि भाई साहब किस किस के पेपर हो रहे हैं नाइन के। ये हमारे भाई ब्लॉक में ही माशाल्लाह न्यू मस्जिद बहुत प्यारी, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ठीक है, ईद के बाद इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी ना। हाँ इंशाल्लाह इसके बाद हो जाएगी, कर रहे हैं काम रहे हैं। तो अभी नमाज के बाद आपको मिलते हैं। अच्छा बाबा जी, सब भाइयों ने मेरी सब प्यार करने वाली बहनों ने ये पूछा है कि हम आपकी फैमिली हैं, तो हमें ना मतलब रीजन बताएं कि आप इतनी देर मतलब किधर गायब थे। तो मैंने कहा मैं इनको बिल्कुल सच बताऊंगा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं बात को घुमा फिरा भी सकता था, थोड़ी सी वो कर लेते हैं, बात को मैं घुमा फिरा भी सकता था ठीक है यार। कुछ बातें होती है बंदा हिडन रखना चाहता है, लेकिन आप लोग अगर जानना चाहते हो तो मैं बताता हूँ। आपको पता है मैं एक राइडर था, काफ़ी सालों से ये राइडिंग वाला काम हो रहा था ठीक है, बाइक राइडिंग वाला अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू है ठीक है ना। अब देखेंगे ये आगे मतलब बाइक राइडिंग वाले मतलब इंशाल्लाह ताला वो, खैर मैं बाद में बताऊंगा, कुछ तो बातें नीचे रखने दो यार। अच्छा तो बात आती है यार, मैं आया था यूट्यूब पे अर्निंग करने ठीक है ना, अपने मतलब अपने क्या कहते हैं उसे फाइनेंशियल कंडीशंस मतलब जो भी है जो भी यार उर्दू में ही बोल लेते हैं, अपने माली हालात को दुरुस्त करने के लिए मैंने कहा यार ये इस काम में मैं आया यूट्यूब में ठीक है। लेकिन ना बस यार सीधी सी बात है, मुझे भी इतनी अकल कोई नहीं, आप बड़ा इतनी अकल होती तो राइडों से बेहतर बेहतर लोगों ने बिजनेस चलाए होते हैं ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना था, मैंने कहा यार अपना काम है ठीक है। तो मैं जब यूट्यूब पे आया, मुझे यूट्यूब से जो मैंने एक्सपेक्टेशन लगाई थी मुझे इतनी सैलरी मिलेगी, लेकिन वो काम नहीं हुआ। खैर मैं बड़ा थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ, लेकिन मुझे भाई ने ना एक और ऑनलाइन काम को बताया जो यही टिकटॉक की फील्ड का था, तो मैं उसमें लग गया, उसमें लगा रहा। मैंने कहा यार चलो ठीक है, अर्निंग यूट्यूब से ज़्यादा है तो ठीक है, मैं मतलब अर्निंग कर लेता हूँ ठीक है। लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं सोची जब मेरे यूट्यूब पे मिलियन व्यूज आएंगे एक एक ब्लॉग पे, तो तब मेरी अर्निंग कितनी होगी। तो बस मैंने टेम्परेरी तौर पे सोचा, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि 2-3 महीनों में ना मतलब मुझे मतलब मैं बड़ा गिल्ट फील करता था, मैंने कहा यार इतने प्यार करने वाले भाइयों ने मुझे मतलब सपोर्ट किया, वो ये चाहते हैं कि यूट्यूब में मैं ग्रो करूँ, आप लोग भी यही चाहते हो कि, लेकिन मैं मतलब खुद भी यही चाहने लग गया। मैंने कहा यार समझ लो कि मतलब मैं अर्निंग करने आया था, जब मुझे कोई उससे बेटर ऑप्शन मुझे नज़र आई तो मैं उस पर चला गया, लेकिन
मतलब टली भाई ने आपके आपके टली भाई और मेरे वाले साहब ने मुझे यही कहा कि व्लॉग्स को कंटिन्यू रखो, व्लॉग्स को कोई बात नहीं। उन्होंने वही बात की थी कि जैसे आज एक प्रॉपर्टी सस्ती है ना, कल को वो महंगी होगी, ऐसी आपने बात की। इतना है तो मैंने इसको यही कहा कि मैंने कहा देखो व्लॉग ना छोड़ो तो इसका एक मिनट, ये रीजन जो मैंने आपको बताई है कि जैसे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, आपको इससे कोई बेस्ट ऑप्शन मिलेगी आप वो देखेंगे, तो बाद मैंने वो कर लिया। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला अब पहले से भी डबल इंशाल्लाह ताला अच्छी कोशिश करेंगे, अच्छा स्ट्रगल करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी यार आप सबने दुआएं करनी है, बस पानी की बोतल भर गई होगी। जैसे माशाल्लाह आपने हमारे लिए दुआएं की, हम दोबारा आए हैं, ये आपकी दुआओं की वजह से है, इंशाल्लाह हम भी इसी तरह आपको अपने दिल में रखे हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं। अब मैं एक बात करता हूँ, मुझे यार उस दिन अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है? आज खैर से 15वां रोज है, हाँ जी 15वां, आज मैं ये कह रहा हूँ माशाल्लाह के आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना जिस दिन व्लॉग की छुट्टी हो, क्योंकि अब छुट्टी नहीं होगी। और आज देखो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा के विलादत, यानी हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत का दिन है, और मेरी तरफ से आप सब भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप हमें दुआओं में याद रखें, हम आपको दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़ते रहा करें और अपने तो, माशाल्लाह बड़ा अच्छा मैं साहब बोतल देखो। तो यार मतलब एक ये भी बात थी मैंने कहा यार कब तक राइड्स करूंगा, आप लोग को यार 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन मोहसिन भाई अभी भी राइड्स कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा यार वो राइड वाले काम नहीं तो यार हमें मतलब उठाया, सीधी सी बात है यार, जो बात हक है जो बात सच है। लेकिन यार मैं आप लोगों के सामने फोन मेरा 1% घर जाके चार्ज करूंगा, फिर जाके मैं मतलब कोई पार्टी में ऐड करता हूँ, फोन बिल्कुल 1% रह गया यार। तो भाई हम भी तो देखें इफ्तारी में क्या बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अच्छा जी फ्रूट चाट बन रही है मोहसिन भाई, मैंने कहा फ्रूट चाट बना ले आज, सही हो गया। अच्छा पापा जो फ्रूट चाट बनाते हैं ना, दो फाली बीच में डालते हैं, आज भी दो ही हैं? आज एक स्ट्रॉबेरी का इजाफा किया बस। अच्छा हमारी माशाल्लाह दो फलों की भाई सदा बार फ्रूट चाट बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फलो कड़म से अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है यार, क्योंकि इसका टेस्ट एक बड़ा अच्छा निकला था, जरा ऊपर से यार रोजा खोल के आपको पता है रोजे के बाद तो चाय पीते हैं, और मेरे जैसे काफी भाई होंगे जो रोजे के बाद चाय पीते हैं। भाई चाय हम इसलिए पीते हैं कि वो रोजा रखा होता है ना माशाल्लाह, सब अल्लाह पाक जिन्होंने रोजा भी रखा उन सबका रोजा भी कबूल करे, और रोजा खोल के चाय पीने से लगा दिमाग फ्रेश हो जाता है। वो देखो पीछे चेक करो, छुप छुप के देख रहे हैं, वो देखो हाथ ला दे पता लग गया। भाई साहब वालदा भी बहुत कल से खुश हो गए हैं क्योंकि व्लॉगिंग शुरू हो गई है, पता नहीं यार इन सबको और मुझे भी मतलब एक अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज से मोहब्बत होना, फिर उसके बगैर नहीं रहा जाता। खैर एक तरफ इन्होंने देखा, चलो यार क्या नाम है, बड़ा जो भी बात हुई आपको मैंने हाईलाइट कर दिया कि यार ये इशू था। लेकिन अब भाई मैंने आपको कहा कि छुट्टी हो गई ना अगर, तो भाई अनसब्सक्राइब आप सबने कर देना है, ठीक है? लेकिन क्या आपने टल्ली बजाना नहीं बोलना? नहीं नहीं टल्ली तो अच्छा एक भाई कल कहते हैं क्या नाम है, अच्छा भाई टल्ली भाई आ गए, नहीं तो मैं सोचा था अनसब्सक्राइब कर दूं। मैं कहा भाई तू बैठा भाई ये सोच रहा था मतलब टल्ली भाई की एंट्री पर गई, नहीं तो भाई ने कर देना था अनसब्सक्राइब। खैर कोई बात नहीं, ठीक है ये रीजन थी। तो भाई साहब अब इंशाल्लाह ताला अभी जो कल का व्लॉग आएगा वो जरा स्पेशल होगा, उसमें एक स्टोरी भी होगी, ठीक है एक चीज भी होगी बड़ी अच्छी। तो यार ये रीजन थी, मैं आप सबसे सॉरी करता हूँ, ठीक है अब बस इफ्तारी करेंगे, ठीक है उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैंने मतलब आज रात को इस व्लॉग के बाद ही इस व्लॉग को एडिट करके अपलोड करके इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट हो जाना है। अब भाई छुट्टी कोई भी नहीं होगी, ठीक है मेरी जान के टोटो लव यू, आज राइड भी की मतलब ज़्यादा करनी थी लेकिन टाइम ज़रा आपको पता इफ्तारी टाइम घर होना चाहिए, चाहे इफ्तारी के बाद बंदा फिर काम कर ले, ठीक है ना? तो बेल आइकन कर देना, ऑल पे वीडियो को कर देना लाइक, मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।